सिंप्लीफिकेशन में टाइप फाइव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन परसेंट, माने परसेंट बेस्ड पे क्वेश्चन है जो आपके लिए पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो लेके आए हैं। देखिए तो क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन है, यहाँ मिसिंग प्लेस है उसे एक्स ले लेंगे, तो इस प्लेस पे एक्स आ जाएगा। तो क्या लिखा है, 150 ऑफ 640 प्लस 40 इक्वल टू 120% ऑफ एक्स, यहाँ एक्स ले लिया। अब यहाँ परसेंट हटेगा, डिवाइड में 100 आएगा, तो 150 अपॉन 100 ऑफ के बेस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 640 प्लस 40। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए 120 अपॉन 100 इंटू एक्स प्लस 160। अब सॉल्व करेंगे, देखिए 0 0 0 0, अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए तो इन दोनों का आ रहा है 960 प्लस 40 इक्वल टू 0 0 कैंसिल हो गया, 2 6 जा 2 5 जा, देखिए। और 160 भी माइनस में ला रहे हैं, इधर ही लाते हैं हम, देखो तो एक्स एक्स एक तरफ ले रहे हैं, माइनस 160 इक्वल टू 6 अपॉन 5 एक्स, देखिए। तो यहाँ प्लस करेंगे, ये 1000 है, 6 अपॉन 5 एक्स इक्वल टू 1000 माइनस 160, तो 1000 माइनस 160 कितना बचेगा, 840। तो x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 640 इंटू 5 अपॉन 6, देखिए तो 6 से डिवाइड कर देंगे हम, ये सॉरी 840 है, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 बन जा 6 2 6 4 जा 24, ये 140 आया यहाँ पे, कितना आया 140। यहाँ 140 आया है, देखिए ये 840 था, डिवाइड करेंगे तो 140, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 700, एक्स इक्वल टू 700। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड फिर लेट ले कर लेंगे, यहाँ भी मिसिंग प्लेस पे एक्स आ जाएगा, देखिए तो 25% और 240 प्लस एक्स परसेंट ऑफ 360 इक्वल टू 20% ऑफ 570, तो 25 अपॉन 100, 25% रहेगा तो डिवाइड में 100 आएगा, इंटू 240 प्लस एक्स अपॉन 100 इंटू 360, 20 अपॉन 100 इंटू 570। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 5 5 जा 2 से 12, 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ 5 और 18, यहाँ 0 से 0 0 से 0, तो यहाँ कितना बचा 60 प्लस, यहाँ बचा 18 अपॉन 5, एक्स इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, 2 7 या 14 2 5 या 10 11, तो 18x अपॉन 5 इक्वल टू 114 माइनस 60, तो 18x इक्वल टू, इसे माइनस कर देते हैं हम, तो माइनस करने पे कितना आएगा देखिए, 54 इंटू 5, 18 डिवाइड हो जाएगा तो 54 इंटू 5 डिवाइड 18, 18 3 या 54,
तो एक्स है ना जो मिसिंग नंबर था वो होगा 15, तो कितने परसेंट हो गए जी, एक्स की वैल्यू 15 आ गई। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम, उसमें भी मिसिंग प्लेस है, तो लेट 40% ऑफ 4.5 प्लस एक्स परसेंट ऑफ 2/3 इक्वल टू 20% ऑफ 10, ये है। तो 40/100 इंटू 4.5 प्लस एक्स अपॉन 100 इंटू 2/3 20/100 इंटू 10, तो ये तो कैंसिल हो गया, 2 आ जाएगा, या केवल 2। अब यहाँ पॉइंट हटा देंगे तो एक जीरो ले लेते हैं हम, 0 0 कैंसिल हो गए। अब 5 से 5 9 जा 5 से 20, तो कितने हो गए यहाँ पे, ये 2 से 50। तो अब यहाँ पे देखिए आप, ये 4 9 जा 36 अपॉन 20 और कट रहा था 4 9 जा और 4 से कटेगा कितने बार, 5 टाइम्स प्लस एक्स अपॉन यहाँ 150। तो एलसीएम ले लेते हैं हम, चाहे तो एलसीएम भी ले सकते हैं, या जी उधर ले जाए 9 9 अपॉन 5 को, एक्स अपॉन 150 इक्वल टू 2 - 9 अपॉन 5। तो एक्स अपॉन 150 इक्वल टू 5 एलसीएम आया, 10 - 9, तो एक्स इक्वल टू 1/5 × 150, तो 5 3 15 30, एक्स की वैल्यू आ गई 30, एक्स की 30 आ गई। अब नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन, इसमें देखिए इसमें मिसिंग नहीं है कुछ भी, डायरेक्ट सॉल्व किया जाएगा, इसमें सिंप्लीफाई करना केवल 25% ऑफ 24 प्लस 25% ऑफ 32 इक्वल टू माइनस 1/7 ऑफ 170। देखिए परसेंट हटाते जाइए, 25/100 × 24 25/100 × 32 माइनस 1/7 मल्टीप्लाई 175, ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई आता है, 7 2 या 14, 7 5 या 35 25, ये 4 times 4 से 8 times, ये 4 times 4 से 6 times, तो यार 6 + 8 - 25, तो 6 + 8 = 14 - 25, तो इसका आंसर जो आया सिंप्लीफाई होकर 11 - 11 आया है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिफ्थ वाला, इसमें मिसिंग नंबर हमें निकालना है, तो इसे लेट एक्स ले लेंगे मिसिंग प्लेस पे, 45% ऑफ मिसिंग प्लस 30% ऑफ 90 इक्वल टू 30% ऑफ 210, तो 45/100 एक्स 30/100 × 90 30/100 × 210, 0 0 दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे भी 0 0 कैंसिल हो गए। अब ये हुआ 5 से कर दें तो 5 9 जा और 5 से 20, 9/20 एक्स इक्वल टू ये यहाँ कितना है 21 3 या 63 - 27, 9/20 एक्स इक्वल टू यहाँ माइनस कर देंगे हम
तो 13 माइनस 7 6, 5 माइनस 2 3, तो यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू 36, 20/9 हो जाएगा, 9 4 या तो x की वैल्यू आ गई 80, तो x की वैल्यू 80 अपना आंसर आ गया। देखिए तो ये क्वेश्चन